हेलो फ्रेंड्स, मैं ललिता और हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आज के वीडियो में जानेंगे हम गुड़ के बारे में। गुड़ खाने के आपको 24 बेहतरीन लाभ होने वाले हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। प्राकृतिक मिठाई के तौर पर पहचानने वाला गुड़ स्वाद के साथ ही सेहत का भी खजाना है। अगर आप अब तक अनजान हैं इसके स्वास्थ्यवर्धक गुड़ों से, तो अब आप जान लीजिए। देखिए, जो गुड़ होता है उसके बहुत से लाभ होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक गुड़ों से भरपूर होता है गुड़। तो देखिए, जो गुड़ का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो है पेट की समस्या को लेकर। गुड़ पेट की समस्याओं से निपटने के लिए एक बेहद आसान और फ़ायदेमंद उपाय है। यह पेट में गैस बनना और पाचन क्रिया से जुड़ी अन्य समस्याओं को हल करने में बेहद लाभदायक है। खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन पाचन में सहयोग करता है। नंबर दो पर सर्दी होने पर, सर्दी के दिनों में या सर्दी होने पर गुड़ का प्रयोग आपके लिए अमृत के समान होगा। इसकी तासीर गर्म होने के कारण यह सर्दी जुकाम और ख़ास तौर से कफ से आपको राहत देने में मदद करेगा। इसके लिए दूध या चाय में गुड़ का प्रयोग किया जा सकता है और आप इसका काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं। नंबर तीन पे जो इसका फ़ायदा है, गुड़ को अदरक के साथ गर्म कर इसे गुनगुना खाने से गले की खराश और जलन में राहत मिलती है। इससे आवाज़ भी काफ़ी बेहतर हो जाती है। नंबर चार पर जो इसका फ़ायदा है वह है जोड़ों के दर्द को लेकर। जोड़ों में दर्द की समस्या होने पर गुड़ का अदरक के साथ प्रयोग काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। प्रतिदिन गुड़ के एक टुकड़े के साथ अदरक खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर पाँच पर जो इसका फ़ायदा है वो है त्वचा की सेहत के लिए भी गुड़ आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। जी हाँ, गुड़ रक्त से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर कर त्वचा की सफाई करता है और रक्त संचार भी बेहतर करता है। नंबर छः पर जो इसका फ़ायदा है वो है प्रतिदिन थोड़ा सा गुड़ खाने से मुहासों की समस्या नहीं होती है और त्वचा में चमक आती है। यह आपकी त्वचा की समस्याओं को आंतरिक रूप से ठीक करने में भी मदद करता है। नंबर सात पे जो इसका फ़ायदा है वो है शरीर में आयरन की कमी होने पर गुड़ आपकी काफ़ी मदद करता है। गुड़ आयरन का एक अच्छा और सुलभ स्रोत है। एनीमिया के रोगियों के लिए भी गुड़ बेहद फ़ायदेमंद होता है। नंबर आठ पर जो इसका फ़ायदा है वो है अगर आप बहुत अधिक थकान या कमजोरी महसूस कर रहे हैं तब भी गुड़ आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि यह आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देता है और आपको थकान महसूस नहीं होने देता है। नंबर नौ पर जो इसका फ़ायदा है वो है शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में गुड़ सहायक होता है। इसमें एंटी एलर्जिक तत्व होते हैं, इसीलिए अस्थमा होने पर मरीजों के लिए इसका सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नंबर दस पर जो इसका फ़ायदा है वो है पेट में गैस बनने की समस्या होने पर प्रतिदिन एक गिलास पानी या दूध के साथ गुड़ का सेवन करने से पेट में ठंडक मिलती है और गैस भी नहीं बनती है। नंबर 11 पर इसका फ़ायदा है वो है प्रतिदिन दोपहर व रात के खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ मुंह में रखकर चूसने से पाचन भी बेहतर होता है और गैस नहीं बनती है। नंबर 12 पर जो इसका फ़ायदा है वो है गुड़ शरीर में रक्त की सफाई कर मेटाबॉलिक रेट को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा गुड़ गले और फेफड़े के संक्रमण के इलाज में भी फ़ायदेमंद होता है। नंबर 13 पर जो इसका फ़ायदा है वो है अस्थमा के इलाज में गुड़ काफ़ी लाभदायक होता है। गुड़ और काले तिल के लड्डू बनाकर खाने से सर्दी में अस्थमा की समस्या नहीं होती है और शरीर में आवश्यक गर्मी बनी रहती है। नंबर 14 पर इसका फ़ायदा है वो है सांस संबंधी रोगों के लिए 5 ग्राम गुड़ को समान मात्रा में सरसों के तेल में मिलाकर खाने से सांस संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 15 पर इसका फ़ायदा है अगर आपका गला बैठ जाता है, गला बैठ जाने पर और आवाज़ जकड़ जाने की स्थिति में पके हुए चावल में गुड़ मिलाकर खाने से बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है और आवाज़ भी खुलने लगती है। ठीक है, आवाज़ खुलकर आ जाती है। नंबर 16 पर इसका फ़ायदा है अगर आपके कान में दर्द हो रहा है तो गुड़ काफ़ी लाभदायक है। गुड़ को घी के साथ मिलाकर खाने से कान में होने वाले दर्द की समस्या से राहत मिलती है। नंबर 17 पर इसका जो फ़ायदा है वो ये है, पीलिया हो जाने पर आप 5 ग्राम सोंठ में 10 ग्राम गुड़ मिलाकर एक साथ खाने से काफ़ी लाभ मिलता है। नंबर 18 पर इसका फ़ायदा है महिलाओं को मासिक धर्म यानी उनके पीरियड्स की समस्याओं में राहत देने के लिए भी गुड़ काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप उन दिनों गुड़ का सेवन कर सकते हैं, इस तरीके से आपको लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। नंबर 19 पर इसका फ़ायदा है वो है स्मरण शक्ति को लेकर। अगर आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है तो स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके नियमित सेवन से याददाश्त बढ़ती है और दिमाग कमज़ोर नहीं रहता है। नंबर
20 पर जो इसका फ़ायदा है वो ये है, अगर आपको भूख कम लगती है तो आपकी समस्या का इलाज गुड़ है। गुड़ खाने से आपकी भूख खुलेगी और पाचन क्रिया दुरुस्त रहेगी। नंबर 21 पर इसका फ़ायदा है, गुड़ एक अच्छा मूड बूस्ट है। अगर आपका मूड ख़राब है, आप गुड़ खाएंगे तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। यह आपके मूड को खुशनुमा बनाने में मदद करता है। इसके अलावा माइग्रेन की समस्या में भी गुड़ फ़ायदा पहुंचाता है। प्रतिदिन गुड़ का सेवन करने से लाभ मिलता है। नंबर 22 पर इसका जो फ़ायदा है वो ये है, अगर आपको खट्टी डकारें आती हैं या पेट की अन्य समस्या है तो गुड़ में काला नमक मिलाकर चाटने से लाभ होता है। इसके अलावा यह तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने में भी काफ़ी सहायक होता है। नंबर 23 पर जो इसका फ़ायदा वो है, वज़न कम करने में भी गुड़ का प्रयोग आप कर सकते हैं। शरीर में जल की अवधारणा को कम करके शरीर के वज़न को नियंत्रित करता है गुड़। नंबर 24 पर जो इसका फ़ायदा है वो ये है, वैसे तो गुड़ की जो तासीर होती है वो गर्म मानी जाती है, लेकिन अगर आप पानी के साथ में घोलकर इसको पीते हैं तो यह आपके शरीर को ठंडक प्रदान करता है। अस्थमा में भी गुड़ काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गुड़ और काले तिल के लड्डू बनाकर खाने से सर्दी में अस्थमा की समस्या नहीं होती है और शरीर में अनावश्यक गर्मी बनी रहती है। तो इस तरीके से आप गुड़ के फ़ायदे उठाते रहिए। अगर आपके कान में दर्द है या पीलिया है या महिलाओं के मासिक धर्म में कोई समस्या है तो आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं और गुड़ के जो फ़ायदे हैं उनका लाभ आप ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।